ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीख द सुल द ट्रुथ लाइज विदिन में। और आज हम 19वें दिन के श्री वरदान में परमपिता परमात्मा जो कि प्यार के आधार पर हम बच्चों को परिवर्तन करते हैं और वो हमें जो प्यार देते हैं उससे इस दुनिया के जो दुख हैं, अशांति है, जो रहस्य हैं, जो परमात्मा हमें सिखा करके हमें प्यार देते हैं, उससे हम अपने मन को स्थिर रख पाते हैं, सुखी रख पाते हैं और श्रेष्ठ कल्पना करके सबका सुख का जीवन व्यतीत हो उसकी दुआएं कर पाते हैं, नहीं तो अपने ही दुखों में डूबे रह सकते हैं। तो देखें परमात्मा करते क्या है और कहते क्या है हमें। बाबा आज के वरदान में कहते हैं परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। विस्तार में चलते हैं। परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई है जो उसमें यदि खो जाओ तो यह दुख की दुनिया भूल जाएगी। अब किसी के प्यार में जब खोते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता होता है, उसकी आदतें, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, क्या उसके ख्वाब हैं, क्या उसकी इच्छाएं हैं, सब कुछ पता होता है हमें। तो क्या हमें परमपिता परमात्मा के बारे में सब कुछ पता है? उनका नाम क्या है, उनका देश क्या है, काल मतलब समय क्या है, दिखते कैसे हैं, रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं तो सारा ड्रामा कैसे बना, क्या नीति से, क्या रीति से ये ड्रामा बनाया गया है, क्या ये सारे रहस्य हमें पता हैं? क्योंकि हम उनको अपना पिता कहते हैं तो पिता कहने के औंदे से हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि अगर हम उनके बच्चे हैं तो मेरे पिता ने इस दुनिया को रचा कैसे है। अगर वो रहस्य पता चल जाए तो सुख शांति प्रेम आनंद खुशी के दाता के रहस्य पता चल जाए तो दुख क्यों होगा हमारे जीवन में, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये ना जानने के कारण दुख है, अशांति है, और जान करके भी उसको याद ना रखने के कारण, स्मृति ना रखने के कारण भी दुख अशांति होती है। तो बाबा फिर आगे कहते हैं, इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है। दुनिया भी चीजों के बारे में बात ही नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पर धन दौलत के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ सेहत के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर वो तो चीजें बाद में आती हैं। परमात्मा कहते हैं पहले खुश रहो, सुखी रहो, शांत रहो, रहस्य को समझ लो, फिर जा करके सेहत भी ठीक हो जाएगी। धन अगर इच्छा इतनी ज़्यादा है तो वो भी आ जाएगा, लेकिन वो लोभ में अगर परिवर्तन हो गया तो वो भी चला जाएगा। और परमात्मा कहते हैं फिर उसके साथ में कि जब सुख होगा तो औरों को भी सुख दे पाओगे, संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कामनाएं रखते हो जो कि परमात्मा को याद करें तो परमात्मा से हमें सुख शांति दुनियावी वाली, भौतिक सुख शांति पदार्थों वाली, चीज़ों वाली मिल जाए, फिर उससे मुझे शांति महसूस हो, सुख महसूस हो, तो परमात्मा कहते हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, तो वो अज्ञानता की निशानी है। तो बाबा कहते हैं फिर, बाप सुख शांति क्या देता लेकिन उसका भंडार बना देता है। सिर्फ सुख शांति नहीं देते, परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज का कोर्स में, उसमें हमें अपने रहस्य पता चलते हैं, स्व की पहचान होती है, पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, ये दुनिया कब से चल रही है, कब इसमें इंटरवल हुआ था, जैसे किसी मूवी में इंटरवल होता है, उसका ज्ञान मिलता है, और ये मूवी कब खत्म होने वाली है और फिर से रीस्टार्ट कब होने वाली है। जी हाँ, रीस्टार्ट कब होने वाली है, सत्युग स्वर्ग फिर से कब बनने वाला है इस दुनिया में, ये सारे रहस्य पतलते हैं। कब कौन से धर्म आते हैं, क्यों आते हैं, उनका कारण क्या, आने का इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, नगाड़े क्यों बज रहे हैं युद्ध के, ये सारे रहस्य हमें पता चल जाते हैं तो हमें घबराहट नहीं होती, बेचैनी नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ अगर हम भूल जाएं तो घबराहट बेचैनी आनी शुरू हो जाती है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, परमात्मा तो सागर है, नदी तालाब तो नहीं है ना। नदी तालाब कौन हो गए? हम मनुष्य आत्माएं। हम अगर हम किसी के पास जाते हैं, गुरुजी, अरे वो किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं
संत जी, सन्यासी जी या महात्मा जी थोड़ा सा सुख का या शांति का रास्ता बताएं, वो दो तीन चीज़ बता देंगे, दो तीन आपको रहस्य बता देंगे आपको, लेकिन परमात्मा तो सागर है, उन रहस्यों के साथ में आप कुछ दिन आप शांति में रह पाओगे, सुख मिलेगा आपको, लेकिन परमात्मा तो सागर है, वो कोई तालाब नहीं है। तो मनुष्य आत्माएं तालाब हैं, मनुष्य आत्माएं नदियां हैं। ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है कौन? सागर। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगते कब है? जब हम भक्त होते हैं। भक्त और बच्चे में बहुत अंतर है, या तो परमात्मा के भक्त हो या परमात्मा के बच्चे हो। कहते तो परम पिता हो, तो पिता मानते हो क्या? अपने आप को उनका बच्चा मानते हो क्या? अगर आप बच्चे हो गए तो पिता की प्रॉपर्टी क्या है वो सब कुछ पता होगा, जैसे दुनिया भी पिता के पास में क्या क्या प्रॉपर्टी, कितना धन दौलत है, ज़्यादातर पता रहता बच्चों को। तो परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है, परमात्मा के पास में रहस्य क्या है, सॉरी कौन से उनके पास में ऐसी जायदाद है जो कि हमारी होनी चाहिए, सुख शांति प्रेम आनंद खुशी और ज्ञान, क्या आपके पास है ये? अगर नहीं है तो अभी तक आपने परम पिता को अपना पिता नहीं माना है। आप अभी भी भक्त जैसे उनसे मांग रहे हो, केवल ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ये दे दो, वो दे दो। तो वो दूर का संबंध, पिता का संबंध पास का संबंध होता है। फिर बाबा कहते हैं, इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। खजाने क्या मिले? ज्ञान मिला हुआ है। सुख शांति कैसे मेंटेन करनी है अपने माइंड में, उसकी नॉलेज मिली हुई है, सारे रहस्य मिले हुए हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य में, उसके बारे में पता है। प्रेजेंट में करना क्या है, उसके बारे में पता है। पास्ट में जो चीज़ें हुई, क्यों हुई मेरे साथ में, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसका पता है। तो सुकून है, तो वो ज्ञान है, उनकी पॉइंट्स को सही टाइम पर यूज़ करने कार्य में लगाओ विधिपूर्वक। तो परमात्मा ये चाहते हैं हमसे। और वो ज्ञान के पॉइंट्स क्या हैं, कैसे उनको कार्य में लगाएं, उसके पहले तो आपको आके 7 डेज का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नेवर टू लेट, लेकिन कहीं देरी ना हो जाए। इसी के साथ ओम शांति।